हेलो गाइज, मैं हूं अमित। गाइज, आज हम लोग इस पुराने सिलेंडर का यूज़ करके बनाने वाले हैं एक भट्टी यानी कि एक फर्नेस, और वो जो फर्नेस है कैपेबल होगा एल्यूमिनियम यानी कि जो मेटल है उसको पिघलाने का। मुझे लगता है कि वो शायद जो है कॉपर को भी पिघला देगा, लेकिन लोहा जो है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो लोहे को छोड़ करके बाकी ज़्यादातर चीज़ों को ये मेल्ट कर पाएगा। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, और भाई वीडियो में काफ़ी मेहनत लगने वाली है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो भाई सबसे पहले तो ये जो सिलेंडर है इसको यहाँ से काटना होगा। नीचे वाला हिस्सा जो है वो इसका हीटिंग जोन बनेगा, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ढक्कन बनेगा। तो इसको जो है यहाँ से पकड़ना पड़ेगा। और भाई यहाँ पर हमने सिलेंडर जो है उसके ऊपर वाले हिस्से को काट दिया है, और अंदर से आप देख सकते हो कि ये जो है किस तरीके का है, और काफी मोटी जो है इसी शीट है, यानी कि ये काफी मजबूत फर्नेस होने वाला है। तो सबसे पहले बनाते हैं हमारी भट्टी का इंसुलेशन, और उसके लिए हम यूज करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जो है घरों में काम आता है, आपको पता है, और हमको जो है ये एक फिक्स अमाउंट के अंदर मिक्सचर लेना है। और भाई यहाँ पर मैं जो है 3 डब्बे डालूंगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के, उसके बाद में हम 3 डब्बे डालेंगे इस मिट्टी के, और 2 डब्बे डालेंगे इसमें पानी के, और हमारा जो इंसुलेशन मटेरियल है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो भाई अब हमारा जो मिक्सचर है वो एकदम तैयार है, और इसकी मजबूती भी हम यूज करेंगे स्टील वूल का, जो कि आप देख सकते हो इस तरीके का जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है हमारे इस भट्टी को काफी मजबूती देगा। तो इसको यहाँ से तोड़ लेते हैं, और इसकी जो जाली है वो हम इसके अंदर डाल देंगे सबसे पहले। तो अब इसको डालते हैं भाई हमारे सिलेंडर के अंदर। और भाई इसके अंदर चीज रखने के लिए, जगह बनाने के लिए हम यूज करेंगे इस बाल्टी का, और इसको हम जो है इसके अंदर रख देंगे कुछ इस तरीके से। तो भाई अब जो है इन दोनों चीजों को सूखते हुए पूरा दिन हो चुका है, और ये जो प्लास्टर है काफी हार्ड हो चुका है इसके अंदर भी। तो सबसे पहले जो मिट्टी है अब इसको बाहर निकालते हैं, और ये जो प्लास्टिक का डब्बा है इसको भी बाहर निकालते हैं। और भाई जो डब्बा है वो तो आ गया है बाहर, और आप इसके अंदर की शेप देख सकते हैं। ये जो है हमारे फर्नेस के इंसुलेशन का काम करेगा, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो भाई अब हमें जो है वेल्डिंग मशीन से इसके ऊपर एक होल बनाना पड़ेगा। भाई यहाँ पर है हमारी भट्टी जो कि हो चुकी है तैयार, और इसको हमने एक वीडियो में भी यूज किया है, और काफी लोगों ने बोला था कि बनाने का तरीका भी बताओ, और उसकी वीडियो हमने बनाई थी। लेकिन ये जो है ना यार, मेरे हाथ से गिर गई ऊंचाई से, और इस वजह से इसके अंदर कुछ क्रैक्स आ गए, लेकिन भट्टी अभी भी काम करेगी। तो आपको दिखाते हैं आज इसको चला करके किस तरीके से चलती है। और दोस्तों भट्टी के साथ ही साथ में इसका जो ऊपर का ढक्कन है, इसके अंदर का जो मसाला हमने डाला था वो उड़ गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। इसका जो कलर है वो भी आप देखो, यूज करने की वजह से थोड़ा काला काला हो गया, अदरवाइज जो नया सिलेंडर था वो रेड कलर का था। और दोस्तों साथ ही साथ में हमें जो है एल्यूमिनियम को पिघलाने के लिए एक बर्तन भी चाहिए, तो ये जो है एक क्रूसिबल का काम करेगा। इसके अंदर हम चीजें डालते हैं, और एक्चुअली में आप देखो इसके अंदर थोड़ा बहुत मटेरियल जो है ना वो डला हुआ भी है, जो हमने लास्ट टाइम मेल्ट किया था, लेकिन ये एकदम जमा हुआ है, अदरवाइज हाथ में थोड़ी पकड़ पाता मैं। और इसको इसके अंदर डालने के लिए, निकालने के लिए, और जो मोल्टन एल्यूमिनियम है उसको डालने के लिए हमारे पास में इस तरीके के लोहे के 2 टुकड़े हैं, जो कि मैंने खुद ने बनाए हैं वेल्ड करके। और ये जो है भाई इसको दूर से पकड़ सकते हैं, देखो ये पकड़ लिया, और इसकी मदद से हम लोग जो है इसको डाल भी सकते हैं, या फिर ये ज्यादा बेटर रहेगा ना, इस तरीके से हम जो है जो पिघला हुआ एल्यूमिनियम उसको बहुत इजीली डाल सकते हैं। देखो हम जो है इसको इसमें रखेंगे, एल्यूमिनियम गर्म होगा निकालेंगे, और इस तरीके से एल्यूमिनियम नीचे डाल सकते हैं। तो अब इस मशीन को चलाते हैं, और
साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर है ये प्रोपेन नोजल जो कि मैंने खुद ने तैयार किया है। ये जो है ना बेसिकली नल की जो फिटिंग होती है जो वाटर सप्लाई में काम आता है उसके पार्ट्स हैं। यहाँ पर एक्चुअली में एक ये रिड्यूसर है, ये बड़ा वाला रिड्यूसर है और एक पाइप है 9 इंचेस का। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक 1 मिलीमीटर का नोजल लगाया है और ये जो है पूरा कनेक्टेड है एक इस तरीके से वाल से जो कि हम लगा सकते हैं हमने सिलेंडर के अंदर, तो लगा ही देते हैं इसको। तो भाई यहाँ पर नट बोल्ट टाइट करके लगाते हैं इस प्रोपेन नोजल को हमारे सिलेंडर के अंदर और उसके लिए इसको खोलना पड़ेगा। और ये जो रिड्यूसर है ना यार ये अच्छा काम करता है इसको अंदर रोकने का भी, और इसको अंदर की तरफ लगा देते हैं। और भाई यहाँ पर इस 8 की हेल्प से हम इसको रखेंगे लेवल में। तो अब ये रुक गया है, चालू करते हैं इसको। आवाज आएगी आपको गैस की, आ रही है? फुल करूं? देखो कितना तेज गैस निकल रही है इसमें से, देखो इसको एकदम मिनिमम रखेंगे ताकि हम इसमें आग लगा सके थोड़ा दूर से ही। और आपको दिखाते हैं, देखो चालू हो गई बत्ती। थोड़ा बढ़ाता हूँ गैस को, देखो कितना ज्यादा गैस आ रही है इसमें यार, काफी ज्यादा है। तो अब एक काम करते हैं, इसको मैंने बंद कर दिया है, अब ये थोड़ा गर्म भी हो गया होगा तो इसके अंदर हमारी जो क्रूसिबल है जो बर्तन है पिघलाने का उसको रखते हैं और इसको हल्का फुल्का गर्म करते हैं ताकि इसके अंदर हम एल्यूमिनियम डाल सकें। यहाँ पर है काफी सारा स्क्रैप एल्यूमिनियम, आप लोग देखो एल्यूमिनियम है। और भाई इसके ढक्कन को हटा करके इसके अंदर जो है स्क्रैप डालते हैं एल्यूमिनियम वाला। और भाई ये बहुत ध्यान से डालने की जरूरत है क्योंकि ये काफी गर्म है। ये जो पूरा टुकड़ा है ना यही डाल देते हैं, बढ़िया पिघलेगा एकदम, थोड़ा टाइम जरूर लेगा। तो भाई अब इस फाउंड्री को लगभग 15 मिनट हो गए हैं और आप लोग देखो जो भट्टी है वो एकदम अंदर से रेड हॉट हो रखी, अंदर देखो यार एकदम लाल है और अब जो है एकदम गर्म है, एल्यूमिनियम सारा पिघल चुका है। तो अब इसको बाहर निकालते हैं भाई एल्यूमिनियम को और दिखाते हैं आपको। तो भाई यहाँ पर हमने इस गैस स्टोव को बंद कर दिया है, ढक्कन को हटाते हैं और ये काफी गर्म है तो रहेंगे इससे दूर। इसको रखते हैं मिट्टी में और भाई अंदर आप लोग देख सकते हो कि कितना ज्यादा जो है ये रेड हॉट यानी कि गर्म हो रखा है। तो भाई यहाँ पर हमारे टूल की मदद से हम उसको जो है कुछ इस तरीके से उठा सकते हैं और आप लोग देखो कि भट्टी एकदम गर्म है और ये जो एल्यूमिनियम है आपको दिख रहा होगा मैंने मिट्टी पे रखा, देखो मिट्टी ही जल गई इससे, देखना देखो मिट्टी जो है वो काली हो गई। तो अब इस एल्यूमिनियम को डालते हैं भाई हम हमारे यहाँ इस टेम्परेरी कास्टिंग में जो कि एक्चुअली कुछ नहीं है, ईंटें हैं सिर्फ, लेकिन एकदम बढ़िया से हमारा जो एल्यूमिनियम है ना वो इसके अंदर जा सकता है। देखो यार कितना हाई टेम्परेचर पे पिघलता है और हमने इतना इजीली इसको पिघला दिया सिर्फ 15 मिनट्स में, ठीक है थोड़ा सा और बच गया। तो ये भर चुका है पूरा और ये बहुत ज्यादा गर्म है दोस्तों, देखो पानी की तरह हो रखा है एक्चुअली। अगर मैं आपको दिखाऊं ये कितना गर्म है देखना, आप आग लग जाएगी तुरंत लग गई ना और थोड़ा सा यहाँ पर भी अगर मैं डाल दूं क्योंकि ये लोहे का बना हुआ चीज है तो इसके ऊपर कुछ होना नहीं है। और अब जो हमारा एल्यूमिनियम है वो खत्म हो गया और दोस्तों साथ ही साथ में जो क्रूसिबल है अब उतनी रेड हॉट नहीं दिख रही लेकिन अभी भी ये काफी ज्यादा गर्म है। तो भाई अब हमारे इस कास्टिंग को ठंडा होने देते हैं। अभी भी अगर मैं आपको इस ईंट को हिलाकर दिखाऊं बड़े ध्यान से तो देखो जो एल्यूमिनियम है वो अभी जमा नहीं है। तो भाई यहाँ पर है हमारे एल्यूमिनियम के पीसेस जिनको बनाया हमने हमारी भट्टी में और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो ईंट के अंदर का इम्प्रिंट है वो भी इसके ऊपर छप गया है। और भाई मेटल के एकदम सॉलिड ब्लॉक से बन गए हैं, 5 टुकड़े हैं और आप लोग देखो कितने बढ़िया और कितने मस्त ये लग रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इनको हमने खुद बनाया है तो एक अलग ही फील होती है। तो भाई आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो में मजा आया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, सीखने को अगर कुछ मिला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।